दरभंगा के सिधौली पंचायत में मुखिया नागेश्वर दास दिव्यांग हैं और वो मुखिया बन गए हैं। बता दें, जब से लगातार वो मुखिया बने हैं, अपने विकास के लिए, अपने पंचायत के विकास के लिए सभी फाइलों को लेकर प्रखंड तक दौड़ते रहते हैं। बता दें, इस बीच इनके पंचायत में शिवनाथ मंडल को पंचायत सचिव बनाया गया था। उस समय में भी इन्होंने ही आग्रह किया था कि उन्हें हटा दिया जाए, वो काम नहीं करते या कुछ भी ऐसा आरोप था। लेकिन इस बीच बड़ा आरोप जो है इन्होंने पंचायत सचिव राम बालक यादव पर लगाया है कि अपने मन से काम करते हैं, कोई भी योजना डाल देते हैं, हमसे बाद में साइन करवाते हैं या साइन करवाने के बाद योजना डालते हैं। इस तरह की समस्याएं क्या है वो हम आपको इन्हीं से सुनाते हैं। आखिरकार सभी पंचायतों में क्यों हो रहा है झगड़ा रगड़ा, ये सभी अब सुनते हैं और पूरा सच्चाई जानिए और इसी आधारित पर सच समझिए कि पूरे दरभंगा जिला में पंचायत में क्या स्थिति बना होगा और पूरे बिहार में क्या स्थिति बना होगा, कैसे जो सरकार के जो कर्मचारी हैं कैसे मनमानी करते हैं और कैसे मुखिया परेशान होते हैं। तो इन सभी बातों पर जानते हैं मुखिया नागेश्वर दास से, राम बालक यादव ने क्या आरोप लगाया है वो भी सुनते हैं। सब्सक्राइब शेयर करिएगा। पंचायत सचिव को हम इसलिए बदलना चाहते हैं कि पंचायत सचिव जी को पता है हमारे पास क्या संसाधन है, नहीं है, किस मध्य में क्या राशि है, नहीं है, और कितना टाइड अनटाइड कितना करना है, उस पैसा में से हमको क्या क्या करना है। नाले विभाग का आदेश है कि 15वीं में कम से कम 5 लाख रुपया एनी टाइम हमको खाता में रखना है। कोई आफत आ गया, विपद आ गया, कोरोना आ गया, महामारी आ गई, कभी बाढ़ आ गया, कभी सुखाड़ आ गया, उसके लिए भी रखना है। और क्या टाइड है और अनटाइड है, कौन पैसा से हमको कितना काम करता है, एक चीज़ भी हमको नहीं बताते हैं। वहीं मेरे पास पहले से जो योजना पोर्टल पर चढ़ा हुआ है वो लगभग 3 करोड़ से अभव का योजना चढ़ा हुआ है, और उसके 10% भी राशि मेरे पास नहीं है। हम चाहते हैं कि मेरे पास जो संसाधन उपलब्ध है उसमें से पूरे पंचायत में जो अत्यंत जरूरी वाला काम है, जो कौमा में काम है, हम इन कार्य सबको पहले करें, ताकि लोग कहेंगे कि मुखिया जी वास्तव में देख करके जो जरूरी, फिर जैसे जैसे पैसा आएगा उससे जो सेकेंडरी होगा उसको हम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम मुखिया बने हैं, रिजर्वेशन सीट से बने हैं, तो जहाँ जहाँ दलित महादलित का टोला है, कोई और वार्ड है, जैसे अनपट्टी हो गया, मुसहरी हो गया, अनार मुसहरी हो गया, शोभे पट्टी सोमनाथ पट्टी हो गया, पेठियागाछी हो गया, सुराचट्टी हो गया, लक्ष्मीपुर हो गया, ये सब में हर बार मुखिया के द्वारा नज़रअंदाज किया गया है, वहाँ अभी तक विकास नहीं हो पाया है। तो हम चाहते हैं जो जो वार्ड विकास नहीं किया है उन वार्ड में भी हम काम करेंगे। पंचायत सचिव जी न हमारे पास बैठते हैं, न हमारे कहा मानते हैं, न हमारा कुछ करते हैं, हमारे पंचायत में भी आते हैं तो और अन्य जगह जाते हैं, जहाँ जाते हैं हमको कोई दिक्कत नहीं है, स्वतंत्र हैं, लेकिन हम जो बुलाते हैं तो मेरे पास नहीं आते हैं। हमको कहते हैं केवल पंचायत कार्यालय में आइए, जब पंचायत कार्यालय में जाते हैं तो 2-4 गुंडा लुहेरा, उसमें कुछ वार्ड मेंबर भी सम्मिलित हैं, कुछ अन्य व्यक्ति सब भी सम्मिलित हैं, वैसे लोगों को बैठा करके वहाँ रखते हैं, जो लोग हमारे साथ हमेशा झगड़ा झंझट ठीक करना शुरू कर देते हैं। पंचायत सचिव जी आज तक एक भी फाइल का संधारण नहीं करते हैं, साधन है नहीं, और वो बगैर मतलब कि हमसे बगैर पूछे हुए खस्टम से में 15वीं में और अन्य योजना में, जो योजना पोर्टल पर भी नहीं चढ़ा हुआ है, अभी इधर लगभग 26 लाख रुपया का वो लोगों को ऑर्डर शीट काट दिए हैं, ऑर्डर शीट लेकर के मेरे पास भी भेज देते हैं लोगों को कि आप चले जाइए मुखिया से आप दस्तखत करा लीजिएगा। उतना ही नहीं, एक प्लेन पेपर पर वो लिख करके योजना का नाम देते हैं, अपना सिग्नेचर कर देते हैं, और रास्ता पैरा में वो बदमाश लोग सब हमको कहते हैं इस पर दस्तखत कर दीजिए, आई पोर्टल पर चढ़ेगा। अब पोर्टल पर यदि चढ़ भी जाएगा, मेरे पास संसाधन नहीं है तो हम क्या करें। अब हम दिव्यांग हैं, महादलित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, कमज़ोर हैं, हमको डर भी लग रहा है, भय भी लग रहा है, ऐसी स्थिति में अब वो सबको मेरे विरुद्ध लुधका देते हैं, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, अब वो तो ऑर्डर तोर्डर करके दे देते हैं कि जाइए मुखिया जी से करवा लीजिए, सामने वाला व्यक्ति बुझने समझने में कम है, उनको उनको लगता है कि मुखिया जी दस्तखत नहीं करते हैं। हम यदि दस्तखत कर देंगे या सारा चीज़ हो जाएगा, कल होकर के वो काम कर लेंगे, मेरे पास राशि ये नहीं रहेगा तो हम कहाँ से देंगे। मेरे पास जो संसाधन है उसमें से हम चाहते हैं कि पूरे पंचायत में जो काम कौमा में है, जो काम अत्यंत जरूरी है छोटा छोटा, हम पहले उस काम को कर देंगे, फिर जैसे जैसे मेरे पास फंड आएगा हम उस प्रकार से काम करेंगे। पंचायत सचिव जी कभी मेरा कहा हुआ नहीं मानते हैं, जबकि वो हमारा पीए हैं और हमको हमेशा फंसाने का काम करते हैं। हम इससे पहले भी वीडियो साहिबा को मौखिक रूप से इनके क्रियाकलाप के बारे में बताते रहे हैं, बीपीआरओ हायाघाट को बताते रहे हैं, हम डीपीआरओ दरभंगा को हमेशा बताते रहे हैं कि पंचायत सचिव जी का ये क्रियाकलाप है, मौखिक बताते थे। कल हम लिख करके दिए हैं कि 24 प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय हायाघाट को दिए हैं, बीपीआरओ महोदय हायाघाट को दिए हैं,
आप ही डीएम साहब को और पंचायत राज पदाधिकारी दरभंगा को देना बाकी है, ये हम देंगे और 24 घंटा में हमको इनके जगह में दूसरा पंचायत सचिव चाहिए, नहीं तो इनके बिना आज तक एक भी फाइल संधारण नहीं हो रहा है। चाहे कि पंचायत सचिव जी किसी के भेजे हुए दूत हों, सरकारी नौकरी में ये हैं या नहीं है, या उनको हमको पर्सनल सेक्रेटरी बनाया गया है कि मुखिया के साथ मिलकर के बढ़िया काम करें, ऐसा हमको देखने में नहीं लगता। लगता है कि हमको तिहाड़ जेल में भेजवा देंगे। सरकारी नौकरी से मतलब नहीं है इनको, या मुखिया जी क्या करना चाहते हैं, इनके पास क्या संसाधन है, उनसे हमको बदनाम कराना चाहते हैं, हमको कहीं मार खिलाना चाहते हैं। हमको लगता है कि दो चार जो गुंडा मवाली तत्व के लोग हैं इनका बात अधिक सुनते हैं, हमारे विपक्षियों का बात अधिक सुनते हैं, और भी जो पंचायत में काम नहीं हो बाधित हो, इस तरह का इनका रवैया हमको देखने में लगता है। इसीलिए हम पदाधिकारी महोदय से विनती किए हैं कि इमिडिएटली 24 घंटा के अंदर इनको बदल कर हमको दूसरा पंचायत सचिव दिया जाए, ताकि हम पंचायत, और हम ऐसे दिव्यांग मुखिया हैं, जितना पदाधिकारी महोदय का आदेश आता है, चाहे जिलाधिकारी महोदय का आदेश हो, DDC महोदय का आदेश हो, अथवा प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय का आदेश हो, हम दिव्यांग होते हुए भी चाहते हैं कि ये जन कल्याणकारी योजना धरातल पर उतरे और उनको अपने जान की बाजी लगाकर उस योजना को हम धरातल पर उतारते हैं, और उसके बाद भी मेरे जैसे मुखिया को तंग तबाह किया। सुधौली पंचायत के अभी आप क्या हैं? हम पंचायत सचिव हैं वहाँ। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम हुआ राम बालक प्रसाद यादव। तो वहाँ का जो मुखिया है नागेश्वर दास, उन्होंने कहा है कि सचिव जो है वो मेरा बात नहीं मानते हैं और वो अपने मन से जो है काम करते हैं, और मतलब वो हमको तिहाड़ जेल भिजवाना चाहते हैं, मतलब विभिन्न तरह का आरोप लगाकर उन्होंने कंप्लेन किया है प्रखंड विकास पदाधिकारी रागनी साहू को। क्या आपका क्या पक्ष है, क्या लग रहा है आपको? वो जो है सो नियम के विरुद्ध काम करना चाहते हैं। नियम के विरुद्ध हम काम नहीं करेंगे, सरकार का जो दिशा निर्देश है उसके अनुकूल चलेंगे, और वो जो है सो अपना मनमानी तरीके से वो हमेशा बोलते रहते हैं, बोलने में उनका कोई कंट्रोल नहीं है और अनाप शनाप बजते रहते हैं। PDO साहब हमको वहाँ प्रतिनियुक्त किए, तब हम गए, तब वो अपना फिर जो वही रवैया मनमानी करने लगे। क्या है कि मेरे घर पर आइए, तो घर पर तो हम नहीं जाएंगे, तो सरकारी कार्यालय बना हुआ है, कार्यालय में आवे, कार्यालय में जो काम होगा कार्यालय में किया जाएगा। उनका मन है कि जो हम कहें वो करे सेवक, तो अच्छा है, तो हम करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो हमारे विरुद्ध में जिला पदाधिकारी को, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को, BDO साहब को वो अपना पत्र दिए हैं कि इनको वहाँ से हटाया जाए। तो आपके ऊपर जो आरोप है वो गलत है क्या? गलत है वो आरोप। तो एक मुखिया जो आरोप लगा रहा है वो गलत हो सकता है? आप ठीक हैं? जी हम ठीक हैं, अपने जगह पर हम ठीक हैं। आपके ऊपर कैसे विश्वास किया जाए कि मतलब तो कोई आरोप जो हम पर लगाए हैं उसके ना हो, क्या साबुत देंगे ना? वो पेपर वर्क करना नहीं चाहते हैं कि वार्ड सदस्य सब जितने हैं 8 उनके विरुद्ध हैं, वो सब अगर पंचायत में आ जाते हैं तो कहते हैं कि लठित है, ये है, ये सब, ये सब ठीक बात नहीं है उनका। तो मुखिया जी जो आरोप लगाए हैं उस पर क्या आपका यही है कि मतलब? जी मुखिया जी जो आरोप लगाए हैं वो गलत आरोप लगाए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ राम बालक प्रसाद यादव, पंचायत।